व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, डीएम, डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। बट इमेजिन एक प्राइवेट मैसेज एनक्रिप्टेड क्यूआर कोड के तौर पे शेयर कर सके तो, यानी कि आपका मैसेज एक क्यूआर कोड में होगा जिसे आपकी परमिशन के बगैर ना कोई स्कैन कर सकता है और ना ही इसे ओपन कर सकता है और आपका मैसेज रीड कर सकता है। तो है ना अमेजिंग वे प्राइवेट मैसेजेस शेयर करने के लिए। अब ये एक वेब बेस्ड सर्विस है तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की या फिर कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी डिवाइस में एनी टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्राइवेट मैसेज है तो इसकी प्राइवेसी फीचर्स भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा ये सर्विस क्लेम करती है कि यहाँ पर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। जो भी डेटा है वो जो QR कोड जनरेट होता है उसी में होता है और ये एक ओपन सोर्स सर्विस है तो इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। सेकेंड, यहाँ पर जो QR कोड जनरेट होता है वो एनक्रिप्टेड होता है तो इसका जो एक्सेस कोड है वो भी रैंडमली जनरेट होता है और कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है। एंड थर्ड, यहाँ पर जो भी प्राइवेट मैसेज है वो 360 डेज के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। वैसे ये जो सर्विस है इसका ओरिजिनल आइडिया फॉर्मेट इमरजेंसी नोट के लिए है जिसमें एक लास्ट डिजिटल मैसेज ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के लिए यानी कि फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स के लिए फ्री में लिख सकते हैं एक विल के जैसे। तो इसके लिए ये वेबसाइट किसी भी डिवाइस के ब्राउजर में ओपन करनी है और गेट स्टार्टेड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैसेज क्रिएटिंग पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट एंटर करना है, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी है क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये पहले ही शेयर होती है। उसके बाद इमरजेंसी नोट का जो बॉक्स है उसमें आपका मैसेज टाइप करना है। अब यहाँ पर अप टू 1000 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आप एक्टिवली यूज़ करते हैं। बाद में इन एक्टिविटी पीरियड फ्रॉम 1 day to 6 months तक आपकी चॉइस के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मैसेज प्रीव्यू अवेलेबल होगा। अब ये पॉइंट तक आप अपना मैसेज या फिर आपकी जो नोट है उसे एडिट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद कंटिन्यू को सिलेक्ट करना है और सबसे लास्ट में गेट इमरजेंसी नोट पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी मैसेज है उसका एनक्रिप्टेड QR कोड जनरेट होगा जो एक PDF फाइल के तौर पे आपके डिवाइस में सेव होगा। अभी जो PDF फाइल है उसमें QR कोड के साथ उसका एक्सेस कोड भी अवेलेबल होगा जिसे आप अपने किसी भी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये QR कोड अगर कोई भी स्कैन करता है तो उसे एक्सेस कोड कंपलसरी एंटर करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि एक्सेस कोड एंटर करने के बाद भी आपका जो मैसेज है वो इमीडिएटली ओपन नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उस पर आपको एक कंफर्मेशन मेल अवेलेबल होगा। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते हैं तभी इनएक्टिविटी पीरियड के बाद आपका जो मैसेज है वो एक्सेसिबल होगा। अब अगर आप चाहे तो मेल में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसे 60 डेज तक डिले भी कर सकते हैं और फिर 60 डेज के बाद आपका जो मैसेज है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो है ना अमेजिंग वे प्राइवेट मैसेजेस शेयर करने के लिए, या फिर इमरजेंसी नोट, लास्ट डिजिटल मैसेजेस आपके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करने के लिए। सो इस वीडियो को आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।